दोस्तों मैं आपको ना पणजी का बस स्टैंड जो है ना इसका टूर कराता हूँ। यहाँ पे किस टाइप से बसेस लगते हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, बस स्टैंड का पूरा व्यू। तो इधर में देख सकते हो भाई इतनी गर्दी है ना बस स्टैंड में, यानी नागपुर के बस स्टैंड में भी गर्दी नहीं, इतनी ज़्यादा बसेस भी है और ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है। तो हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड में, यहाँ का बस स्टैंड कुछ अलग है अपने बस स्टैंड से, नागपुर के बस स्टैंड के मुकाबले। ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा एक मॉल की तरह बनाया है जिसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं। इधर साइड में भी एक बस स्टैंड आपको दिखा देगा और ऊपर शायद ऑफिस होंगे G20 के, यहाँ पे भी बोर्ड लगे हुए हैं और देखो ऊपर में G20। और ये इस तरह का बस स्टैंड, यहाँ पे टिकट काउंटर्स वगैरह काफ़ी सारे हैं। देखो KSRTC ये यहाँ की टिकट और ये यहाँ का फेयर वगैरह दिया हुआ है। बसेस कितने बजे कहाँ की आएंगे भाई? ये बस स्टैंड ना बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, इसमें घूमते घूमते आदमी थक जाएगा। यानी इधर से जाओ इधर बसेस लगती है, उधर से जाओ उधर से बसेस लगती है। यानी हमारे नागपुर के बस स्टैंड भाई इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा बस स्टैंड है ये। देखो यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो शिरडी मुंबई पुणे इधर मैसूर वगैरह, इधर के इसमें भी बेड़गांव, यानी बहुत दूर दूर तक के इसमें बसेस जाती है यहाँ से। कब इधर में चलते हैं, देखो भाई पूरे बस की लाइन लगी हुई आपको दिखा देंगी, इतनी सारी बसेस है यहाँ पर देखो। और ये टिकट काउंटर से यहाँ पे फेयर वगैरह दिया हुआ है, टिकट काउंटर पास वाले के लिए। और इधर साइड में बसेस, अब इधर चल रहे अपन, इधर में भी अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर में भी काफ़ी जगह टिकट काउंटर्स वगैरह कुछ समझ में आता है। चौकशी काउंटर ये है, तो हम अपना फ्लाइट का भी पूछ लेते हैं टाइमिंग क्या है इधर से बस का। ये है बस स्टैंड बहुत बड़ा और हमने उनको जो है टाइमिंग पूछ लिया है बस। तो मरगांव से जो मोपा एयरपोर्ट के लिए बस निकलती है ना 5 बजे, वो बस यहीं से गुजरती है। इसके लिए वो पहली बस 6 बजे यहाँ से मोपा के लिए जाती है। तो ये याद रखिए, अगर किसी को भी कम में अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है सुबह, है ना, तो मोरगांव से 5 बजे निकलती है पहली बस एयरपोर्ट के लिए। तो इस स्टेशन के अंदर में इतनी सारी फूड की दुकान है ना भाई, बहुत सारी, यानी मिठाई की दुकान है और भी बहुत सारी चीज़ें। अबे भाई दारू भी मिलती है अंदर, हाँ यहाँ पे वाइन वगैरह भी मिल जाती है, ज़बरदस्त। सलून भी है यार, सलून को पूछ लेते हम लोग भैया से। भाई साहब अच्छा लग रहा हो क्योंकि सेविंग हो गई, ये तो पूरा बेकार दिख रहा था, 4 दिन से वैसे ही था ना। इसके लिए स्टैंड इतना बड़ा है ना कि भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। सीताफल क्या रेट है? 100 का 6। तो ये है पूरा बस स्टैंड का व्यू भाई, किधर भी जाओ पूरा बस स्टैंड ही बस स्टैंड दिखेगा। तो देखो इधर तक के दूर तक के और बसेज है, इधर से बस ये आ रही है, कहाँ से आ रही है पता नहीं है। और इधर वेजिटेबल्स भाजी वगैरह की दुकान है, ये छोटे छोटे कटर है लगता, कटर है 50-50 छोटे छोटे। तो भाई इधर में ये चीज़ अलग मिलती है, देखो ये अजीब सा फल है सब्जी बनाने का, ये इसको आंबाड़ा बोलते हैं, आम की तरह होता है बोलते, लेकिन इसे सब्जी बनाते हैं, आम नहीं है भाई। यहाँ पे कोई कोई चीज़ें ना किलो का भाव नहीं, सीधा 100 का 10, 100 का 12, 100 का 15 ऐसा ही बोलते। 6 दिन से मैंने सेविंग नहीं किया था भाई, पूरा यानी परेशान हो गया था, कंटिन्यू गाड़ी से घूम घूम के टाइम ही नहीं मिलता था। यहाँ तक कि 2 नाइट तो मैं सोया भी नहीं था। इसके लिए अभी अच्छा लग रहा है, अब मैं नहाया नहीं हूँ, अभी मैं नहाऊँगा। तो भाई कितना हम चल रहे हैं, बस स्टैंड ख़त्म ही नहीं हो रहा। इधर में भी बस स्टैंड है देख सकते हो, इधर में भी। तो इधर फ्रूट मंडी भी बहुत अच्छी है, देख सकते हो बहुत सारा फ्रूट यहाँ पे आपको दिखाई देगा सभी प्रकार के। तो मैं जा रहा हूँ भाई कैंटीन, भूख लगी है, पहले खाना खाया जाए उसके बाद में देखेंगे फिर क्या करना है, फिर मैं जाऊँगा। और बीच पे इधर भाई जो पीछे कैंटीन देख रहे हो ना भाई, ये वेज नॉन वेज वाली है यार, वो जमता नहीं, मैं प्योर वेज वाली कैंटीन में जाके देखता हूँ। इधर फूल मार्केट भी है यहाँ पे बस स्टैंड के पास में, देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फूलों के हार बनाए भाई, बहुत अमेजिंग। देखो बहुत छोटे छोटे गुलाब के फूल है, इतने छोटे तो गुलाब के फूल देखे भी नहीं, देखो बहुत छोटा सा फूल। अगर जहाँ हर जगह अलग अलग जाओगे ना, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के फूल वगैरह दिखेंगे, यहाँ पे अलग ही टाइप के फूल है। और हार देखो कितना सुंदर दिख रहा है। सो गाइस ये था यहाँ का टूर, अब मैं पहले भूख लगी है भाई, अब मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो बनाना तो लाइक करो शेयर करो और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही सारा पूरा दुनिया घूम जाएंगे अपन, टेंशन मत लो, सिर्फ लाइक कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।